हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। कैसे हैं गाइस आप सभी? सो गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत धमाकेदार होने वाला है। जो स्टूडेंट जेई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएल जेई हो या एसएससी जेई हो, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। राजस्थान जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेशन में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अनअकैडमी पर गेट, ईएससी, एई, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी यहां पर अवेलेबल रहेगी। 10% डिस्काउंट मिलेगा राहुल 11 कोड का यूज करके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझे अपना मेंटर बनाना चाहते हैं। जो मुझे सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उनके साथ एग्जाम ड्यूरेशन तक मेरी प्रॉपर गाइडेंस बनी रहेगी। सो गाइस, चलते हैं आगे। सो आप सभी के लिए ये नया बैच आ रहा है गाइस। सबसे पहली बात, बहुत बार स्टूडेंट हमसे कहते हैं क्या सर सिर्फ इसमें एसएससी जेई मिलेगा? नहीं, एसएससी जेई के साथ आपका यूपीपीसीएल जेई, किसी भी जेई एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं इन कोर्सेज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, यहां पर बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे अपन लोग, यानी एक एक कॉन्सेप्ट मशीन की बारीकियों को अपन लोग समझने वाले हैं। तो ये कोर्स इलेक्ट्रिकल मशीन का स्टार्ट होने वाला है 21 नवंबर से, और इसके अंदर राहुल 11 कोड के साथ आप एनरोल्ड हो जाइए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ मेरी मेंटरशिप और पूरी टीम की गाइडेंस आपको मिलेगी इस कोड के साथ। तो क्यों एनरोल्ड हो? क्योंकि ये एक टारगेटेड बैच है जो 22 मार्च तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा। टेक्निकल के 3 टीचर और 2 नॉन टेक के, तो आपको इतने सारे टीचर मिलेंगे जो बहुत मतलब बड़ी बात है। सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर बड़े बड़े टीचर जितने भी नॉन टेक में अवेलेबल हैं वो आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, तो टेक्निकल के लिए मुझे अपना मेंटर बनाइए, ठीक है? टेक्निकल मेंटर को सिलेक्ट करिए। नॉन टेक का पार्ट जो है आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है गाइस? क्यों सब्सक्रिप्शन ले? क्योंकि आपको एक लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको माहौल मिलेगा पढ़ने का लाइव क्लासरूम जैसा, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी आपकी, कोई भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सेशन छूट भी गया तो रिकॉर्डेड मिलेगा, पुराने सेशन मिलेंगे, आने वाले मिलेंगे, जो चल रहे हैं सारे सेशन आपको मिलेंगे, आंसर मिलेंगे लाइव पोल के अंदर, आपको अपनी पोजीशन का पता चलेगा, कहां पर आप बिलोंग करते हैं, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितने आपसे पीछे हैं, ठीक है? गेट योर डाउट्स क्लियर इन एवरी फोर्थ लेक्चर, ठीक है? लाइव टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज लेने की कहीं से जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पे ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस, पीडीएफ लर्निंग मटेरियल आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ लेक्चर। सो गाइस, तो इतना सब कुछ कहा, और कैसे? सिर्फ राहुल 11 कोड के साथ मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल मतलब राहुल 11, अप्लाई करें, सब्सक्रिप्शन करें, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का ले सकते हो। 1 मंथ, 2 ईयर प्लान सबसे बेस्ट प्लान होते हैं, जितना ज्यादा कनेक्ट हो गए उतना ज्यादा अपने एजुकेटर के साथ कनेक्टेड रहोगे, प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम क्रैक करोगे। राहुल 11 कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। 1 ईयर का कोर्स 5400 का मिलेगा, 2 ईयर का कोर्स आपको 6400 का मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग माय कोड। फीस बढ़ने वाली है तो भैया मौका चूको मत, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लो राहुल 11 कोड के साथ। और गाइज, अपना ये जो है इकोनॉमिकली आपको पड़ेगा, क्योंकि बाद में फीस बढ़ जाएगी तो फिर मत कहिएगा, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी एसएससी को आप टेलीग्राम के ऊपर क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ठीक है गाइज। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए गाइज, तो आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, आर्क लैंप ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बताएं गाइस, लो लैगिंग, हाई लीडिंग या यूनिटी पावर फैक्टर, क्या होगा इसका राइट आंसर माय डियर, जल्दी बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आर्क,
आर्क का मतलब क्या हो गया भाई, हीट। हीट के लिए चाहिए बहुत ज्यादा करंट, ठीक है। तो जब करंट ज्यादा लोगे तो यह पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, समझ गए बात। तो ये लो लैगिंग पावर फैक्टर हुआ, ठीक है। तो आर्क लैंप जितने भी होते हैं लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, 2 से 3 लैगिंग पावर फैक्टर इसका होता है, ठीक है ना माय डियर। तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है एकदम एग्जैक्ट दिया है, सही दिया है, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, बहुत अच्छे गाइज। ऐसे ही बने रहो मेरे साथ आखिरी तक, एक एक डिटेल मैं आपके साथ इसके अंदर बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। अगर वो पूछ लेता है यूनिटी पावर फैक्टर किसी का होता है क्या सर, हाँ होता है बच्चे आपका इनकैंडेसेंट लैंप का, ठीक है। बाकी लीडिंग किसी का नहीं होता, लो लैगिंग होते हैं आपके सभी के, फिर वो चाहे गैस वाला हो या आर्क वाला हो। चलिए बताएं वी का वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, गिवन फिगर में क्या होगी वी वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, क्या बात है, 1 2 3 4, जल्दी बताएं कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अगर एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर। जल्दी बताएं, देखिए गाइस इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप नोडल एनालिसिस लगा दो, एट ए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका v प्लस 3/1 प्लस v/1 माइनस का 3, तो माय डियर 2v/3 = 3, तो v का मान तो यहां 0 हो गया, ठीक है। तो v का यहां वाले का मान 0 हुआ है, याद रखें। तो आपको तो करंट निकालना है, आप va, ठीक है, प्लस 3/1, तो यहां पर 0 + 3 = 1, 3 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 एम्पियर यहां आ गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया भाई, 3 × 1 = 3 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया है जिस भी स्टूडेंट ने दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या सर मैं नूडल से ही करता, बिल्कुल भी नहीं, आप इसके अंदर सुपर मैश भी लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, ठीक है। 3 एम्पियर ये हो गया आई, ठीक है, तो यहां पर आपका आई आ गया, ठीक। तो ये वाले में आपका 3 - i, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं, माइनस का 3 प्लस का आई, ठीक है। यहां पर अगर आप चल रहे हैं तो आपके लिए ये हो जाएगा आई माइनस का 3 = 0, तो यहां पर 2i = 6, तो i बराबर 3 हो गया एम्पियर, तो यहां वोल्टेज आप निकाल लो, 3 × i = 3 × 3 वो, तो जैसा मन करे यार वैसे सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हीटर आपको दिए गए हैं जो 1000 वोल्ट के 250 वोल्ट पर कनेक्टेड है इन सीरीज में, ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई से। तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी 1000 वाट, 500 वाट, 250 वाट या 200 वाट, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बता दें, बहुत जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा दो, ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के दो। देखो आसान है, देखो सबसे पहली बात, जब भी पावर आपका सीरीज में होगी, ठीक है, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए, जितने भी आपको डिवाइड दिए, ठीक है। तो दो दिए यहां पर, तो यानी पीटी आपका P1/P2 हो गया, P1 + P2, तो 1000 × 1000, 1000 + 1000, तो ये हो गया 500 वाट, क्या हो गया 500 वाट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो गया 500 वाट, ठीक है। तो टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई वुड बी 500 वाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपसे कहता कि सर ये पैरेलल में है, तब क्या करते यार, पैरेलल में आपका ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, तो पैरेलल में पावर बढ़ जाती है, तभी जितने भी डोमेस्टिक होता है ना आपका, वो इसके पीछे का यही रीजन होता है,
2000 वाट, तो पैरेलल वाले के लिए ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया गाइस, कीप इट अप। एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप्स रिप्रेजेंट कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, डायलेक्ट्रिक लॉस या आपका हिस्टेरेसिस लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप्स क्या रिप्रेजेंट करता है माय डियर, व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, जल्दी बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट, सो माय डियर यहां पर जो आपके लिए राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टेरेसिस लूप्स बनता किस किसके बीच में, एच और बी के, ठीक है ना। तो यार यहां पर ये जो आपको इस कर्व में एरिया मिलता है, एक्चुअली ये एरिया इंडिकेट करता है एनर्जी लॉस का। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, है ना, और उतना ही आपका हिस्टेरेसिस लॉस होगा। तो ये हो गया आपका हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरी बात रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है आप सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हो यार, क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व जो आता है इस लूप का वो कम आता है। ठीक है, तो यहां एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से क्यों, क्योंकि ये जो सिलिकॉन स्टील होती है ये आसानी से मैग्नेटाइज होती है, ठीक है, और आसानी से डीमैग्नेटाइज होती है। ठीक है, आसानी से डीमैग्नेटाइज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब होता क्या है कि यहां पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो डायपोल्स के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन, क्योंकि जब पोलैरिटी बदलती है तो डायपोल्स की डायरेक्शन बदलती है, एक बार ऐसे डायरेक्शन में होंगे एक बार ऐसे होंगे, तो आपस में इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं आप हिस्टेरेसिस लॉस की तरीके से। क्लियर गाइस, तो यहां पर आपको एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप जो होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। आयरन लॉस को एडी प्लस हिस्टेरेसिस मिलाकर आपका आयरन लॉस बनता है, याद रखें ये बात। कॉपर लॉस आपका आई स्क्वायर आर लॉस होता है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक लॉस आपका वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन थीटा, ये आप याद रखें। सारी चीज देखो राहुल सर ने आपके साथ यहां डिस्कस कर दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे लाइटली नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, बताओ यार टू कपल्स कॉयल आपको दी गई है L1 बराबर L2 0.6H, हैव ए कपलिंग कोएफिशिएंट के इतना, तो नंबर ऑफ टर्न आपको ये दिया गया है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, जल्दी बताएं गाइस क्या होगा इसका, 4 2 1 5, 4 2 1.5, जल्दी बताएं गाइस क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ सभी के सभी सोच समझ के गाइस कमेंट करो यार। चलो बताएं व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यार देखो इसके लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, तो यहां पर आपके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आप याद रखो एन स्क्वायर म्यू, ठीक है, ए बाय एल, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रहेगा जो आपको अपने माइंड में याद रखना। सॉरी ये क्वेश्चन मैं कुछ गलत लिख गया हूं, वाकई में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। फिर ये क्या होता है, एन आई बराबर रिलक्टेंस, आता कैसे है? मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां, ये फॉर्मूला आता कैसे है? तो यहां से ये बात तो कंफर्म होगी कि नंबर ऑफ टर्न जो है स्क्वायर के, वो इंडक्टेंस के नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके लिए L1 L2 N1 स्क्वायर N2 का स्क्वायर, तो माय डियर यहां पर अब आप देख लो 0.6 दे रखा है दोनों का वैल्यू, तो N1 बाय N2 का स्क्वायर कर लो यार, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, N1 बाय N2 हो गई, स्क्वायर करोगे तो ये बराबर ही रहेगा, ठीक है, 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 25%, 50%, 75%, 100%. क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, जल्दी बताएं. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन 25, 50, 75, 100. जल्दी बताओ क्या आंसर होगा गाइस. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश. देखो यार, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन एप्लीकेबल कब है, जब सर लोड वेरिएबल है. RTH, ठीक है, VTH. तो माय डियर, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका, ये कंडीशन एप्लीकेबल तब होगी जब RL बराबर RTH हो जाएगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल है. और ये 4RL, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और वी स्क्वायर TH अपन 4RTH, ठीक है, ये होगा. क्लियर? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है आपका 100% रहेगा, सॉरी, जब एप्लीकेबल होगा तो ये एफिशिएंसी आपकी 50% हो जाएगी. इट विल बी गेट 50%, ठीक है ना, क्योंकि देखो आपका आई स्क्वायर आर एल हो गया, ठीक है, ये हो गई आपकी आउटपुट पावर, ठीक है, और ये वाली आपकी क्या हो गई, आई स्क्वायर आर एल प्लस आई स्क्वायर RTH, क्योंकि आप क्या करोगे, पी आउट बाय पी इन करोगे, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए. तो यहां पर आई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो आर एल बराबर आर एल प्लस RTH हो गया. तो मैक्सिमम पावर के लिए RTH RL के बराबर होना चाहिए, ठीक है, RL प्लस RL ही कर दो, कोई परेशानी नहीं है, RTH रख दो, तो 1/2 हो गया, परसेंटेज निकाल लो, 50% आ गया आपका आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. लेकिन अगर आपसे ये एग्जामिनर ये पूछ ले कि आपका लोड वेरिएबल ना हो के आपका RTH वेरिएबल है, ठीक है, आपका लोड वेरिएबल ना होके आपका RTH वेरिएबल है, एट दैट टाइम क्या होगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल. ऐसे केसेस में RTH की आपको हमेशा मिनिमम वैल्यू ले, मिनिमम वैल्यू. अगर ऑप्शन के अंदर जीरो दिया है देन गो विथ जीरो, नहीं दिया तो जो सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है, कम वैल्यू को लगाना होगा, ठीक है ना. चलिए, तो इसका आंसर बी था, बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं. सिंक्रोनस मोटर द मिनिमम आर्मेचर करंट ऑकर एट, जल्दी बताएं, जीरो, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर. सिंक्रोनस मोटर के लिए मिनिमम आर्मेचर करंट कब होगा, तो वी कर्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. वी कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस, ठीक है. चलिए, अब देखो ये आपका हो गया आई ए और ये हो गया आई एफ. तो माय डियर, यहां पर आपका जब यूनिटी पावर फैक्टर होगा, कौन सा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, तो यहां पर आपकी आई ए की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, ठीक है. ऑप्शन नंबर सॉरी डी इज द राइट आंसर, ठीक है. अब देखो यहां पर कभी कभी पूछ लेता है, जैसे अल्टरनेटर में क्या होगा, आपसे पूछ लेगा आर्मेचर रिएक्शन का नेचर भी पूछ लेता है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन का नेचर, कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो कैसा होगा, डीमैग्नेटाइजेशन, लीडिंग पर मैग्नेटाइजेशन और यूनिटी पर आपका क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. और इसमें क्या होगा, अगर मोटर में पूछ लेगा आर्मेचर रिएक्शन का, तो लीडिंग में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मोटर के लिए डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है. लैगिंग में क्या होगा आपका, मैग्नेटाइजेशन, और यूनिटी में आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली है सैलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, बोथ सैलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल रोटर, नन ऑफ द अबव, क्या होगा राइट आंसर बताएं गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो. हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव सैलिएंट, सिलेंड्रिकल, बोथ या नन ऑफ द अबव, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताएं गाइस.
What should be the right answer for that question? तो देखो यार यहां पर क्या होता है, आपके दो टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल नॉन सिलेंड्रिकल। इन्हें आप कहते हैं नॉन सेलिएंट और नॉन सिलेंड्रिकल वालों को कहते हैं आप सेलिएंट। माय डियर ये जितने भी होते हैं इनका एक्सियल लेंथ बड़ा होता है, डाया छोटा होता है। एक्सियल लेंथ इनकी क्या होती है लार्ज, स्पीड इनकी क्या होती है हाई, वेरी हाई, ठीक है। और कहां पर यूज होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, सॉरी बी। अब नॉन सेलिएंट को भी देख लेते हैं यार, इनका डाया बड़ा होता है बट इनकी एक्सियल लेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है, ठीक है, स्पीड इनकी लो होती है, स्पीड इनकी लो होती है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में हम इनका यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में हम इनका यूज करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं यहां, एयर गैप इनमें सबसे ज्यादा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फील्ड वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर रिक्वायर डीसी एसी पल्सेटिंग एनी ऑफ द अबव, ठीक है, जल्दी बताओ व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर्स क्या होता है, ठीक है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता होगा अगर आप अल्टरनेटर को लेते हैं तो यार अल्टरनेटर का जो आपका रोटर रहता है उस पे आप सप्लाई करते हो यार डीसी सप्लाई, वो भी किसकी मदद से, डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। इसे यूज किया जाता है एज एन एक्साइटर, ठीक है। कितना वोल्ट है, 210 वोल्ट से 110 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इसके रोटर पर तो आप देते हैं कौन सी सप्लाई, ठीक है, और स्टेटर या आर्मेचर पर आप देते हैं इसके, ठीक है, से आउटपुट लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई इज द राइट आंसर। बताए नेक्स्ट, द रोटर इनपुट व्हेन द रोटर कॉपर लॉस इज एन इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज 3%, तो 18 किलोवाट, 20 किलोवाट, 200 किलोवाट या 25 किलोवाट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बताए क्या होगा आपका आंसर। तो आपको रोटर के लॉसेस दे दिए गए हैं बच्चे, तो यहां पर आपको देखो पता होना चाहिए पीसीयू जो होता है एसपीजी होता है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको पीजी निकालना है इस बार, एयर गैप पावर, क्या कहते हैं इसे, एयर गैप पावर, ठीक है। तो ये एयर गैप पावर जो है आपको कितने 600 दे रखा है 3%, तो ये ऊपर गए 20 और लगाओ तो ये हो गया आपका 20 किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही गाइस, जिसने भी 20 किलोवाट आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब इसके अंदर एक रिलेशनशिप को आपको मेरे लिए याद रखना है, पीजी, ठीक है, पीसीयू, पीएम, वन डॉट एस डॉट वन माइनस एस। अब कभी कभी आपसे पीएम बाय पीजी मैकेनिकल पावर डेवलप का फॉर्मूला ये आ जाता है, तो माय डियर यही आपका जो बनती है वन माइनस एस, ये अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी बनती, ठीक है। तो याद रखें ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो बात, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए ऐसे ही आपसे पीसीयू बाय पीएम भी ले लेता है, पीसीयू ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरपोल्स आर मेंट फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, इंक्रीजिंग द मेन फील्ड, स्ट्रेंथनिंग द मेन फील्ड या रिड्यूसिंग द स्पार्क एट कम्यूटेटर, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इंटरपोल्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरपोल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरपोल्स। देखो ये आपका
है इस तरीके से, है ना। तो इनके बीच में जो मेन पोल्स होंगे उनके बीच में ये छोटे छोटे पोल्स जो होते हैं, ठीक है, ये तो हो गए आपके मेन पोल। तो ये जो मेन पोल हो गए आपके, इनके बीच में ये जो छोटे वाले पोल हैं, इन्हें कहते हैं हम इंटरपोल। इनका दूसरा नाम होता है यार कोमपोल, ठीक है। ये मेन वालों से क्या होते हैं, शेप एंड साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि आपका कॉम्यूटेटर को स्मूथ करना, क्या काम होता है, कॉम्यूटेटर पे स्पार्किंग को कम करना, ठीक है, और स्मूथ करना, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। तो जो स्पार्किंग होती है प्लग में ड्यूरिंग द कॉम्यूटेटर प्रोसेस, वो यहां पर क्या करते हैं अपन लोग, रिमूव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके माय डियर। चलिए, द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर इन एंड ट्रांसफॉर्मर इज क्या होता है, बताएंगे इस कंजर्वेटर में का क्या पर्पज होता है ट्रांसफॉर्मर में, व्हाट इज द राइट आंसर। कूलिंग द वाइंडिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर इन द ट्रांसफॉर्मर, टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, टू टेक अप द कॉन्ट्रेक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ कॉइल, व्हाट शुड बी द आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस। तो यार देखो, कंजर्वेटर आप सभी ने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आपने कंजर्वेटर लगा हुआ देखा होगा। पहली बात तो कंजर्वेटर आपको सिर्फ उसी में मिलेगा जो ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर है। ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही मिलेगा आपको कंजर्वेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, वो क्या रखना है ध्यान, ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो उस बात का ध्यान रखना है आपको कि कंजर्वेटर करता क्या है। यार एक बात बताओ, मैं छोटा सा आपसे एक फेनोमेना डिस्कस करना चाहता हूं। आप कोई भी ऑयल आपने लिया, आपने इसे गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये क्या होगा यार, ये एक्सपेंड होगा, फैलेगा। तो जब फैलेगा तो ज्यादा जगह लेगा, तो उसके लिए अपन को कोई ना कोई स्पेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जब ये फैलता हुआ ऑयल आपको ये स्पेस घेरेगा तो ये कहां पर जाएगा, ऊपर की तरफ, तब कंजर्वेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। कंजर्वेटर को कभी हमेशा फुल नहीं फिल करते, तीन चौथाई फिल करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 75% ही फिल रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है माय डियर, ठीक है, कि जब आपका सर्दियों का टाइम होगा, जब आपका विंटर्स आता है तो तापमान कम होगा, तो ये ऑयल क्या होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे डाउनवर्ड बैठेगा तेल, तो प्रॉपर जो फिलिंग है ट्रांसफॉर्मर के टैंक के अंदर तेल की कमी हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा सप्लाई करेगा कंजर्वेटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे गाइस, कीप इट अप, ऐसे ही आंसर देते जाओ। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर द नो लोड करंट इज इन टर्म ऑफ रेटेड करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी बताएं व्हाट शुड बी द आंसर, इसका आंसर क्या होगा गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 10 टू 20, 2 टू 6, 15 टू 13, 30 टू 50, क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखो गाइस, जब ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो यार ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक लिंकिंग होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक लिंकिंग होती है यहां पर। तो ये जो मैग्नेटिक लिंक होता है आपका, ये क्या करता है, यहां पर नो लोड करंट की वैल्यू जो होती है वो 2 से 6% होती है फुल लोड करंट की, 2 से 6% होती है फुल लोड करंट के, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो यहां पर है आपको याद रखनी है, ये कम इसलिए क्योंकि आपने यहां पर क्या दे दिया, लो रिलक्टेंस पाथ दे दिया, बट लेकिन जब बात करें अपन लोग इंडक्शन मोटर में तो यही वैल्यू 30 से 40% हो जाती है फुल लोड करंट, जबकि इंडक्शन मोटर भी एक तरीके का क्या है, ट्रांसफॉर्मर ही है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, जिसकी सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट रहती है, तो 30 से 50 वाला इंडक्शन मोटर के लिए रहता है यार, याद रखो ये, और ये वाला आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए रहेगा, इसका आंसर है बी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नेटाइजेशन करने के लिए, भाई यहां मैग्नेटाइजेशन करने के लिए बीच में एयर गैप होता है,
और एयर का जो रिलेक्टेंस होता है, परमिटिविटी बहुत कम होती है, रिलेक्टेंस होता है ज्यादा, तो आपको ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसलिए आपको नो लोड करंट ज्यादा चाहिए होता है इन इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। आगे भाई, कॉपर लॉस जो है ट्रांसफॉर्मर के 7/8 है, तो फुल लोड कॉपर लॉस कितने होंगे, फुल लोड कॉपर लॉस कितने होंगे जल्दी बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, जल्दी बताएं गाइस, फुल लोड कॉपर लॉस कितने। तो गाइस यहां पर इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम हो गया था, सो गाइस यहां पर करना कुछ नहीं, अपन सही कर रहे थे, 7 का स्क्वायर तो ये 49 हो जाएगा, 6400 वाट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या वैल्यू होगा इसका, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर ब्लू विल, क्या होगा राइट आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू बताएं आप सभी, जल्दी बताएं व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। देखिए गाइस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई सी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन लगा लो, सुपरपोजिशन से कर लो, तो इसे ओपन कर दो, तो यहां पर आपको आई कितना मिल गया 5/1, तो यहां पर आ गया 5 एम्पियर। फिर उसके बाद क्या करो, इस वाले को शॉर्ट कर दो, इस वाले को लगा के रखो, तो ये वाला सारा करंट इधर चला जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा नहीं, तो माय डियर तो यहां पर क्या होगा, ये एट दैट टाइम देन वैल्यू विल बिकम जीरो, यहां पर करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो आपका करंट कितना हो जाएगा 5+0 इक्वल टू 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, फिगर दी गई है आपको, वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस। चलिए गाइस जल्दी बताएं व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी बताएं गाइस। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए गाइज आपसे कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपने ए के बीच 1 ओम रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, ठीक है, ठीक है, 1, 1, 2 और 1 एम, ठीक है, तो ये हो गया 1 एम्पियर, ये हो गया 2 वोल्ट, ठीक है गाइस जल्दी बताएं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, बस आपको जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल ए, उसके बीच में आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा यहां पर नोडल एनालिसिस लगाना है, और नोडल एनालिसिस लगाने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं माय डियर, ठीक है, थ्रू आर, इसके अक्रॉस आपको करंट का वैल्यू निकालना है, तो आप यहां वीए ले लो, यहां वी भी ले लो, तो पहले आप वीए पे लगा लो, इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये बन गया आपका एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी, वीबी माइनस का 2/1 प्लस वीबी माइनस का वीए बाय 1 प्लस वीबी बाय 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे गाइस, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वीबी का वो कितना मिल जाएगा 0.125, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दीज टू वैल्यू, आफ्टर दैट करंट निकालना है आपको, वीबी बाय 2 कर दो, ठीक है, तो 0.125 डिवाइड बाय 2
0.625 एम्पियर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए सो गाइस आगे बढ़ते हैं। बताएं कर रिप्रेजेंटिंग द ओम्स लॉ लीनियर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर। ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। देखिए गाइस इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, वी और आई। ये जो कर बनेगा आपका कैसा बनेगा, लीनियर कर। ऑप्शन नंबर ए। तो ओम्स लॉ का जो नेचर रहता वो कैसा रहता, लीनियर। नॉन लीनियर पर ये एप्लीकेबल नहीं, नॉन लीनियर डिवाइस के ऊपर। ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ इट। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? एल बाय। तो माय डियर यहां पर आपका जो रो है, ये देखने में तो आप फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो ये रहेगा कि ये रेजिस्टेंस पे, आर्मी एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर गाइस। ठीक है, टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, लीनियरिटी, ड्यूअलिटी। किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। बताओ, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस पर डिपेंड करती है गाइस, बताएं? रेसिप्रोसिटी, ड्यूअलिटी, लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी? क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, जल्दी बताएं। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिर्फ लीनियर जो होंगे, ठीक है, लीनियरिटी पर ये डिपेंड करती है, यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, और लीनियर डिवाइस पे लगेगी। ठीक है, लीनियर सर्किट्स पर ये एप्लीकेबल होगी। दूसरा, सुपरपोजिशन से आप पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पावर कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर जो होती है वी स्क्वायर आई स्क्वायर का फंक्शन होती है, पैराबोलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर है जिसका केवीए आपको दिया हुआ है 500 केवीए, 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, तो केवीए रेटिंग पर क्या असर पड़ेगा? तो यार ये आपको अगर रिलेशनशिप पता है कि केवीए जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, केवीए टू एफ वन बाय एफ टू। ठीक है, तो 500 बाय केवीए आपको निकालना है नए वाले पर। ठीक है, तो ये आपका चला गया 4 times, इट विल बी बिकम 125 times। तो आप देखो यहां पर रेटिंग जो है ट्रांसफार्मर की वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, 125 केवीए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय द एंगल बिटवीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑन लो लोड फॉर ए सिंगल फेज अल्टरनेटर इज 180, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और 270 डिग्री। क्या होगा राइट आंसर? इंड्यूस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, बताएं क्या होगा? तो गाइज यहां पर आपका देखो, जो इंड्यूस्ड आप ऐसे सप्लाई दोगे भी, ये फ्लक्स, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, E1 E2, तो आपका जो E1 जो E2 जो होगा वो भाई वोल्टेज के बराबर ही होगा इसके नो लोड पर। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, इट इज 0 डिग्री, बोथ आर इन फेस,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस बार विल डिलीवर मैक्सिमम पावर एट एंगल ऑफ, ठीक है, सैलिएंट पोल जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार विल डिलीवर मैक्सिमम पावर एट एन एंगल। तो यार देखो, मैक्सिमम पावर जो होगी वो आपको 90 डिग्री पर मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज वेरी लो, ठीक है, या जीरो, वेरी हाई, या हाफ ऑफ द लोड टॉर्क, क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क? देखो गाइस, सबसे पहली बात, जैसे ही आप सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई देते, व्हेन यू सप्लाई द सिंक्रोनस मोटर, देन व्हाट विल हैपन भाई, आपका यहां पर क्या होता है भाई, यहां तो डीसी सप्लाई देते हो, यहां एसी सप्लाई देते हो, यहां पोल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं, तो ज्यादा इनर्शिया होने की वजह से यहां पर क्या होता है, ये जो पोल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम में, उन पर ये रिएक्ट नहीं कर पाता रोटर, और इट विल बी स्टैंड स्टिल बिकॉज पोल्स आर कंटिन्यूअसली। थोड़ी टाइम बाद यहां पर एनआर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो यहां पर आपका साउथ पोल हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहां पर आपके पोल फिक्स हैं, तो यहां पर क्या होता है, बहुत जल्दी पोल्स बदलते हैं और इनर्शिया होता है ज्यादा रोटर का। इस रीजन की वजह से यहां पर सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग में सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाती, तो इसके लिए अपन को ऑक्सिलरी मेथड्स अपनाने पड़ते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है कि इट इज स्टार्टिंग टॉर्क इसका जीरो रहता है बिकॉज इट्स नॉट सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट इज यूनिटी, 0.8 लैग, 0.8 लीड, डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है, डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो बताओ यार, किस पर ऑपरेट करता है पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेट, किस पर डिपेंड करता है? तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है माय डियर, वो किसमें होती है, केवीए। ट्रांसफॉर्मर का कोई भी अपना फिक्स पावर फैक्टर नहीं होता माय डियर, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, इट विल बी डिपेंड अपॉन लोड। ये किस पे डिपेंड करता है? लोड पर डिपेंड करता है भाई। अगर आपका लोड लैगिंग है तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, लोड आपका रेजिस्टिव है तो ये रेजिस्टिव पावर फैक्टर हो जाएगा, और लीडिंग है तो लीडिंग हो जाएगा। तो ऑल इट इज डिपेंड अपॉन द लोड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं, बताएं गाइस इसका आंसर क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज 0.98 एट फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस क्या होंगे, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर, जल्दी बताएं क्या होगा इसका आंसर, बताओ भाई। ये आपसे कहना चाह रहा है, देखो भाई, आपको 100 केवीए ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, सोचो जो 0.98, ठीक है, एट फुल लोड एज वेल एज हाफ लोड, ठीक है, इतना एफिशिएंसी है जिसका। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉसेस इज क्या होगा फुल लोड पर। तो जाहिर सी बात है यार, जब फुल लोड पर बात करोगे तो यार कॉपर लॉसेज आर मोर देन योर कोर लॉस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर, वाइंडिंग मटीरियल या लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। तो गाइस देखो, ये जो मैग्नेटिक कोर होती है आपकी, इसके अंदर आपका जो, एक मिनट गाइस मैं इसे चार्ज पे लगा देता हूं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी सेशन में, ठीक है। चलिए गाइस,
तो ये जो होती है मैग्नेटिक सर्किट, ये क्या होता है, इसका लो रिलक्टेंस पाथ होता है। जब लो रिलक्टेंस पाथ होगा तो भाई यहां से ज्यादा फ्लक्स पास होगा, तो यहां पर कपलिंग क्या हो पाएगी, बहुत अच्छे से हो पाएगी। भाई जितना ज्यादा आपका फ्लक्स फ्लो करेगा उतनी आपकी म्यूचुअल कपलिंग अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताएं हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ किसके लिए आप यूज करते हैं, स्मॉल वोल्टेज, हाई वोल्टेज एम्पियर रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग या लो वोल्टेज रेटिंग, जल्दी बताएं गाइस, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, जल्दी बताएं, लॉजिक लगा के जल्दी 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 आंसर दें गाइस, व्हाट शुड बी द आंसर। देखो गाइज, हमेशा याद रखो जब भी आपका हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर है तो ये यूज होते हैं आपके स्मॉल पावर वोल्टेज रेटिंग के लिए, ठीक है, स्मॉल पावर वोल्टेज रेटिंग। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वेरीज, वी स्क्वायर, वी अंडर रूट, वी वन बाय वी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन माय डियर। तो देखो यार, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको सारी डिटेल बताइए, बताएं पीजी और मैकेनिकल पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन पीजी एंड द मैकेनिकल पावर। तो गाइज अभी रिलेशनशिप अभी अपन ने डिस्कस किया था पूरा का पूरा, वन माइनस कैस, तो यहां पर आपका जो होगा पीजी वो क्या होगा, पीजी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एग्जिस्ट व्हेन द मोटर इज अंडर लोड, ओवरलोड, सप्लाई विद अनबैलेंस वोल्टेज, जल्दी बताओ यार, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, फॉल्ट में भी मैंने आपको ये बात पूरी की पूरी बता रखी है, बताएं गाइस इसका आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो गाइज अगर आपको याद होगा, अपन लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, और फॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि तो पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, नेगेटिव सीक्वेंस होते हैं, जीरो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, पावर सिस्टम में। तो गाइज जब भी आपका अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस वोल्टेज होगा, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हो या सडन ट्रांजिएंट फॉल्ट से हो, कोई भी रीजन हो, तो आपका ये जो अनबैलेंस वोल्टेज है यही सीन में लेकर आएगा नेगेटिव सीक्वेंस को। तो यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिन स्टूडेंट ने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है गाइस। चलिए तो गाइस आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं, आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इफेक्टिव रहे होंगे, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो राहुल 11 कोड के साथ आप जुड़ जाइए, अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यूपीपीसीएल जेई और SSC JEE के लिए आप सब रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए, ठीक है। ये बैच जो है 21st of November से जो आ रहा है आपके लिए, 20th November से जो आ रहा है, मेरी क्लास 21st को रहेगी, 20 November से स्टार्ट हो रहा है, आप सब इस बैच के लिए रेडी रहें, आपको बेसिक से एडवांस सारी चीजें डिटेल इसमें पढ़ाई जाएंगी। चलिए गाइज थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें।